नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में युवा कांग्रेस और ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश सरकार का किया पुतला दहन। समाधान दिवस में पहुंचकर सुनी समस्याएं, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। और प्रदेश स्तर पर सतना पुलिस अधीक्षक आईपीएस रियाज इकबाल को मिला प्रशंसा पत्र। कटनी जिले के सीमा पर स्थित मंचगवा थाना अंतर्गत ग्राम देवरी में सुबह सिलेंडर भरे ट्रक और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और वहीं ट्रक समीप के ही भारत गैस एजेंसी में, जहां पर ट्रक खाली करने जा रहा था, युवक को बिना उठाए एजेंसी में जाकर सिलेंडर खाली करने लगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि एजेंसी होल्डर के परिवार के ही मुकेश पटेल द्वारा ट्रक ड्राइवर को मौके से ले जाकर फरार कर दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर एक घंटे तक पुलिस न आने पर जाम लगा दिया, जिससे सिलौड़ी से सिहोरा मार्ग एक घंटे तक बाधित रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त युवक देवरी कन्हाई गांव का प्रमोद चौधरी 27 वर्षीय है, जो कि खेत से मोटरसाइकिल में अपने घर जा रहा था और सामने से ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। क्या नाम है आपका? सज्जू भाई। जी भाई, क्या घटना क्या हो गई यहाँ? यहाँ सर एक्सीडेंट हुआ, जब हम लोगों को पता चला, जब हम लोग आए कि कम से कम फोन लगाओ, कार्रवाई करो, लेकिन ये लोग नहीं बताए, नहीं बताए। और ये पुलिस कितने देर में आई यहाँ पे? पुलिस को जानकारी दे दी थी आपके द्वारा? ट्रक वाले बोल रहे थे, ट्रक वाले जानकारी दिए थे पुलिस, दिए थे। कितने देर बाद आई है पुलिस यहाँ? ढाई घंटे बाद। और जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जिनसे, वो कितनी देर रहे सड़क पर? सड़क पर बहुत देर तक रहे, करीबन नहीं तो डेढ़ घंटा आराम से रहे। जिसने एक्सीडेंट किया था उसे उठाया नहीं? वो नहीं उठाया, उधर से देख रहे थे गाड़ी बस थतोले, वहीं से लौट के वो वहीं क्यों चले। कौन सा ट्रक है ये जो खड़ा है? एजेंसी वाला है? एजेंसी वाला है। और कहाँ जो ड्राइवर कहाँ ले गए? वो ले गया गाड़ी में बैठा के। कौन ले गया ड्राइवर को? हम नहीं जानते उसको। मुकेश पटेल ले गया। जबलपुर के पोलीपाथर स्थित राज्य वन अनुसंधान म्यूजियम में अचानक आग लग जाने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। गौरतलब है कि म्यूजियम में काफी अनियमितताएं फैली थी, जिसके चलते म्यूजियम में ये बड़ी दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि इस आग में म्यूजियम में लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण म्यूजियम में लगे एसी में हुए शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के चलते हुए नुकसान का अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि इस अनुसंधान का निर्माण कुछ वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था, लेकिन इतने बड़े म्यूजियम में ना तो कोई इलेक्ट्रीशियन की पदस्थापना है और ना ही फील्ड असिस्टेंट से बिजली का काम कराया जाता है। इस अनुसंधान में तैनात कर्मचारी हजारों रुपए की मोटी तनख्वाह लेकर कुर्सियां तोड़ते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब अनुसंधान में रखे अग्निशामक यंत्र की एक्सपायरी 2017 में ही खत्म हो चुकी थी, जिससे अनुसंधान में लगी आग को बुझाया जा रहा था। आग बुझाने के लिए कर्मचारी अग्निशामक यंत्र को लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्सपायरी यंत्र आग बुझाने की कोशिश बेफिजूल साबित हुई, जिस पर आग बुझाते कर्मचारी कैमरा देखकर भागते नजर आए। वहीं इस घटना को देखते हुए अनुसंधान प्रबंधकों की जिम्मेदारियों के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान खड़ा हो रहा है। वहीं पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब देते नजर आए। जी सर, कहाँ आग लगी और क्या कारण था आग लगने का? ये आज 17 अक्टूबर 2019 को लगभग 11 बजे म्यूजियम में कुछ धुआं निकलने लगी। कर्मचारियों ने तत्काल फायर एक्सटिंग्विशर ले जाके उसको, मतलब वो आग का जहाँ लपटे दिख रहे थे उसका तो ऊपर से नियंत्रण किया, परंतु वो आग एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगने के कारण अंदर जो प्लास्टिक के वायर वगैरह जो है वो मतलब अंदर ही अंदर सुलगते रहे, जिसके कारण धुआं निकल गए। तत्काल फायर एक्सटिंग्विशर को टेलीफोन करके उनसे बुलाया गया और फायर एक्सटिंग्विशर का तुरंत आ गया और उसका स्टाफ भी आया, उसका नियंत्रण किया गया और उसमें एसी का जो स्प्लिट एसी लगी थी वो उसका नुकसान हुआ। बाकी म्यूजियम में जो सामग्री था संस्थान का, उसमें कोई किसी प्रकार का
नुकसान नहीं हुआ, मैं अंदर गए था, मैं खुद देखा हूँ, बाकी सामग्री सुरक्षित है। वो धुआं के कारण थोड़ा छत और दीवारों में थोड़ा मतलब उसका काला सा उसमें लगी है, उसको साफ सफाई करा के उसको ठीक कर देंगे। बड़ी बात यह है सर कि ये इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, दूसरी बात है कि अपने जो सीज फायर इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सपायरी डेट के हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, लापरवाही है कि नहीं है? नहीं, उसमें एक्सपायरी डेट वाली बात नहीं है, उसमें अपने पास रिप्लेसमेंट तो रेगुलरली करते आए हैं और फायर कंट्रोल के लिए अपना सारा व्यवस्था है। वी आर हैविंग फायर बकेट्स सैंड का सारा चीज़ था, केवल उसमें धुआं निकलने के कारण वो विजिबिलिटी बिल्कुल ही मतलब नहीं रहा और कर्मचारी हम लोग अंदर इतना धुआं में अंदर तुरंत जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर का बुला के उनसे उन्हीं से ही कंट्रोल करा दिया। उसका व्यवस्था तो फायर कंट्रोल की व्यवस्था बराबर देख रहे हैं हम लोग, सर थैंक यू। कंट्रोल रूम से सूचना मिली वन विभाग में आग लगी आपस में, हम लोग तुरंत मतलब गाड़ी लेके बिल्कुल रवाना हो गए, यहाँ आए तो मतलब आपस में मतलब धुआं ही धुआं था आग में, मतलब दरवाज़ा खुलाया गया तो मतलब धुआं ही में मतलब अंदर जो है पूरे में धुआं था, तो फिर अंदर देखे तार से तो मतलब एसी में आग लगी थी, एसी में मतलब पानी आनी मारे, हम लोगों ने उसको काबू किया। क्या कुछ और भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कीमती सामान रखा था बस, नुकसान कुछ नहीं है बस, वो एसी का सब मतलब अगर आग ज़्यादा होती तो काफ़ी। कारण क्या बता रहे, कैसे लगा कुछ? करवा चौथ का दिन सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, देश भर की करोड़ों महिलाएं आज के दिन व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और सुख शांति समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन जबलपुर में कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जो व्रत रखना तो दूर बल्कि अपने पतियों के लिए जेल की सलाखों की कामना में लगी रहीं। आपको ये सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन करवा चौथ के दिन 15 सुहागिनों ने पुलिस परिवार परामर्श केंद्र आवेदन दिया और पतियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। केंद्र के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, उनका मकसद था कि करवा चौथ के पवित्र दिन कम से कम कोई घर न उजड़े, लेकिन उनके मंसूबे खाक हो गए। साल भर में ऐसे करीब 1800 मामले सामने आए हैं जिनमें महज 28% में ही समझौता हो सका। जबलपुर मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में बर्खास्त होने के बावजूद भी एक प्रधान आरक्षक पुलिस लाइन की जमीन पर कब्जा कर उसमें अवैध तरीके से मकान बनाकर कई सालों से रह रहा था। एसपी अमित सिंह को जब इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने रक्षित निरीक्षक को निर्देश दिए कि बर्खास्त प्रधान आरक्षक को वहां से हटाकर उससे जमीन खाली करवाई जाए। लिहाजा आज जब आरआई सौरभ कुमार ने नगर निगम की टीम के साथ किशन लाल के मकान को तोड़ते हुए जमीन मुक्त करवाया, इधर जैसे ही निगम की टीम ने किशन लाल का मकान तोड़ने की कार्रवाई की तो वो अपने परिवार और गृहस्थी के साथ एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया। बर्खास्त प्रधान आरक्षक किशन लाल की माने तो 2005 में तत्कालीन आरआई भूपेंद्र सिंह और प्रधान आरक्षक अवतार सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से उसके खिलाफ षड्यंत्र रच हुए उसे निलंबित करवाया था। किशन लाल ने यह भी कहा है कि उन्होंने तत्कालीन आरआई और अवतार सिंह के खिलाफ एसपी से लेकर डीजी तक से शिकायत की थी पर उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसने हाई कोर्ट की शरण ली जिसमें उसका केस अभी चल रहा है। दरअसल 2005 में किशन लाल का ट्रांसफर जिला पुलिस से जीआरपी कर दिया गया था पर किशन लाल ने अपनी आमद वहां नहीं दी, लिहाजा इसे एक कदाचरण मानते हुए पहले निलंबित और फिर बाद में 2007 को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बावजूद इसके 2007 से किशन अपने परिवार के साथ पुलिस लाइन की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा था। कई बार बर्खास्त प्रधान आरक्षक को नोटिस दिया गया पर हर बार पुलिस को आत्महत्या करने की धमकी देकर वो कार्रवाई से रोक लिया करता था। आज जब आरआई सौरभ कुमार और नगर निगम की टीम ने किशन लाल के अवैध मकान को तोड़ा तो उसने अपनी गृहस्थी और परिवार के साथ एसपी कार्यालय के सामने धरना दे दिया। इधर इस पूरे मामले में जबलपुर एसपी एमएस सिंह का कहना है कि प्रधान आरक्षक किशन लाल को 2007 में अपने कदाचरण को लेकर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था पर ताज्जुब की बात है कि 2007 में बर्खास्त होने के बाद भी किशन लाल पुलिस लाइन की जमीन में मकान बनाकर रह रहा था जिसकी जांच की जाएगी। आज जब इसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो वो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर धरने पर बैठ गया है। पुलिस सेवा से बर्खास्त हुए प्रधान आरक्षक किशन लाल ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मकान तोड़ते समय उसके घर से 4 लाख रुपए भी गायब किए गए हैं।
जबलपुर उपनगरीय क्षेत्र रांची में हो रही लगातार अघोषित बिजली कटौती और अनाप शनाप बढ़ते बिजली बिलों को लेकर रांची ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एमपीईबी विद्युत मंडल जोन कार्यालय का प्रदर्शन करते हुए सहायक अभियंता इंजीनियर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि रांची क्षेत्र में रोजाना किसी भी समय बिजली कटौती कर दी जा रही है, जिसकी कोई सूचना नहीं दी जाती। सुबह से शाम तक कई घंटों तक लाइट गोल कर दी जा रही है, जिससे रांची की आम जनता खासी परेशान है। वहीं बिजली बिल के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया गया है। वहीं इस दिए गए ज्ञापन के संबंध में प्रशांत नागेश ने बताया कि हमारे द्वारा बिजली कटौती नहीं की जा रही है, कहीं फॉल्ट होने के चलते अगर इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। वहीं बढ़ते बिल को लेकर फेडको कंपनी से बात करके निराकरण निकाला जाएगा, जिन्हें हमारे द्वारा देखा गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है आज दिनांक को। जो भी बिंदु उसमें निहित हैं उनकी विस्तृत रूप से मैं जांच करूंगा और यथासंभव सुधार करने का प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है और लोगों का यहाँ पर शिकायत भी थी जिन्होंने ज्ञापन किया कि बिल भी जो है जी वो बढ़ के आते हैं जी। बिल बढ़ने के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको संज्ञान में लाते हुए मैं बात चर्चा करूंगा। जो फेडको कंपनी है जो बिल जारी कर रही है, जिसको ठेका दिया गया है, उनसे बात चर्चा करके मैं जानकारी लूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास जो भी शिकायतें आई हैं उनका तत्काल निराकरण मैं कर रहा हूँ। बिल से संबंधित उनको समझाइश दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेशन ना होने के कारण ये समस्या आई है, इसको हम समय रहते जो है सुधार करेंगे। दतिया उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में युवा कांग्रेस और ब्राह्मण समाज ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन का विरोध जताया है। झांसी मिलहार की देवी के पास ब्राह्मण परिवार के 4 सदस्यों के हुए हत्याकांड के विरोध में राजकर चौराहे पर ब्राह्मण समाज और युवा कांग्रेस नेता संघर्ष यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा की योगी सरकार का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद ब्राह्मण समाज और संघर्ष यादव ने पत्रकारों से कहा कि झांसी के उदयनीय परिवार हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की दी जाए, जिससे और कोई अपराधी ऐसी वारदातों को करने से पहले सोचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी तादाद में ब्राह्मण समाज कांग्रेस नेता पंडित अनिमेश शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। हम ये कहना चाहेंगे कि जो पुलिस प्रशासन कर रही है यूपी में, ये अच्छा काम नहीं कर रही है। हम ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं नीलम उदयनिया, जो वहाँ 4 लोगों का मर्डर ही हुआ है ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए कि जीते जी मार दे रहे हैं आप इंसान को। इंसानियत ही नहीं बची है। कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश शासन, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी करी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप उत्तर प्रदेश शासन में जो है पूरी तरह जंगल राज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी उनके इस रवैये से परेशान हो चुकी है और लगातार आप देख रहे हैं, चाहे पुष्पेंद्र यादव हो, चाहे प्रदीप तोमर हो, चाहे कमलेश तिवारी हो, झांसी का ब्राह्मण परिवार हो, लगातार हत्या पे हत्या हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस पुराने जमाने में राजा मान। आज जिलाधिकारी झांसी में श्री शिव सहाय अवस्थी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा जनपद में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान थाना बड़ागांव और थाना चिरगांव में पहुंचकर जनसमस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। थाना समाधान दिवस के दौरान थाना बड़ागांव में कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुई और थाना चिरगांव में कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई जो राजस्व विभाग से संबंधित थी, जिसका राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर निस्तारण कराया गया। निर्देशित किया गया कि ऐसे मामले जिनमें हडबंदी हो गई है और पुनः कब्जा किया गया है तो उस पर तत्काल FIR पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाए। इसके उपरांत थाना परिसर, कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, अभिलेखों आदि को चेक किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद झांसी में मेरे द्वारा और टीम साहब के द्वारा बड़ागांव थाने और चिरगांव थाने का थाना दिवस समाधान दिवस को आयोजित किया गया। इसमें जो मामले आए थे उनको निर्देशित किया गया है कि ज्वाइंट टीम जाकर के उनका निस्तारण हो और ऐसे मामलों के विशेष रूप से मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है जिसमें हदबंदी हो गई है और हदबंदी मौके पे करने के बाद अगर किसी ने इसको बिगाड़ करके और पुनः कब्जे का प्रयास किया है तो उस पर तत्काल FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाहपुरा मंडी में चना मसूर की खरीदी में 30 किसानों का भुगतान करीबन 1 साल से अटका हुआ था। मध्य भारत कंसोर्सियम ने चना मसूर की खरीदी शाहपुरा मंडी में 1 वर्ष पहले की थी, लेकिन खरीदी में फर्जी पात्र और दस्तावेजों का पेच फंसा हुआ था। जिन किसानों का खरीदी के समय कागजात ब्योरा सही था उनका भुगतान कर दिया गया था, लेकिन जिन किसानों का रिकॉर्ड सही नहीं था उनका भुगतान नहीं हुआ था। जिन किसानों का रिकॉर्ड नहीं मिला था ऐसे किसानों से गुरुवार को मंडी में शिविर लगाकर जानकारी मांगी गई। मंडी में अधिकांश किसान अपने कागजात लेकर पहुंचे। जबलपुर कलेक्टर ने असरों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी में किसानों के बीच सभी अधिकारी मौजूद रहे और जिन किसानों का भुगतान 1 साल से अटका हुआ है ऐसे किसानों की दस्तावेज की जाँच की गई।
30 क्विंटल का चना बेचा था हमने यहीं पे भारत कंसोर्टियम को, तो इसका सर ये 23-5 करीब में बेचा था हमने। आज कहाँ आए थे साहब? इनने नोटिस दिया है हमें और कि बोले इनने जो 30 क्विंटल का पेमेंट किया था 1,32,000, तो ये बोल रहा है कि ये आपको फर्जी दस्तावेज लगा दिए हैं और आपके खाते में हमने गलत पेमेंट ले लिया, तो पैसा आप वापस करो नहीं हम, और इन्हें नोटिस भी पुलिस के द्वारा भिजवा दिया है, जबकि हमारे पास में मैसेज से लगा के, पंजीयन से लगा के, खरीदी पावती सब प्रकार की रसीदें सब रखा हमारे पास में रिकॉर्ड। अभी जब आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या बोला गया? द्विवेदी जी बोल रहे थे सर कि वो तुम्हारी RST है ही नहीं है इसमें, RST भगवान जाने क्या होता है सर। तो आपके पास कांटा पर्ची है जो आपने माल बेचा? कांटा पर्ची थी सर, हम यहीं पे जमा कर दिए, तो इनने खरीदी पावती बनाई थी। पावती है आपके पास? जी सर, दो पावती हमारे हाथ से शुक्ला जी की लिखी हुई, जो मैनेजर केंद्र प्रभारी थे यहाँ के, और ऑनलाइन करी हुई पावती भी है। तो पेमेंट आपको मिल गई? पेमेंट मिल गई है, लेकिन ये पुलिस की धमकी देते हैं द्विवेदी जी। नोटिस ये कहाँ से लगा है, कहाँ बुलाया आपको? भोपाल हबीबगंज थाने में बुलाया है सर जी। इस तरह से किसानों को परेशान? जी सर, बहुत परेशान कर रहे हैं सर, और ये लोग वाइप का नंबर लगा है इसमें, हमारा खाता है, उनको फोन पे धमकी भी देते कि तुम्हें थाना जेल हो जाएगी, कहीं ये हो जाएगी। कौन धमका रहा है? ये कंसोर्टियम वाले सर, द्विवेदी जी। अच्छा, ये CEO है? अब सर मैं जानता नहीं कौन है सर ये। आपका नाम क्या है? सर गोविंद पटेल। सर मैं जोधपुर का हूँ, पिपरिया में जमीन लिया है। यहाँ पे 40 क्विंटल चना बेचा था सेपरा मंडी में, जो मध्य भारत कंसोर्टियम सोसाइटी थी, यहाँ पे हमने चना बेचने आए थे। कब बेचा था? जब बेचा था हमने वही 23-24-5 को 2018 में। समस्या ये है कि हमारे खाते में पैसे आ चुके थे 1,76,000 रुपये, तो इसके बाद में हमारे पैसे हमने निकाल लिए, 1,76,000 जो चना बेचा था उसका पैसा आ चुका था। फिर हमने सोसाइटी में धान बेची चरगवा में, जो बिजोरी सोसाइटी थी उसमें हमने धान बेची थी, तो उसका पैसा आया था हमारा 1,66,000-65,000 रुपये। तो इन लोगों ने हमारे खाते से 1,66,000 रुपये हमसे बगैर बताए काट लिए मध्य कंसोर्टियम ने, और बैंक मैनेजर गंगाई ने ये भी नहीं बताया कि हमको कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा कट रहा है कि क्या हो रहा है। अब क्या देखा? अब यहाँ मीटिंग बैठी है, आपसे क्या बोला गया? मीटिंग बोटा मीटिंग में ये बताया जाता है कि बता रहे हैं कि आपको फर्जीवाड़ा हो, आपने माल नहीं तोला, जो कि मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं, ऑनलाइन रसीद है। द्विवेदी ने, ये वहाँ के CEO हैं। देखिए, कलेक्टर साहब के पास जब ये मामला आया है तो उन्होंने एक जांच दल बनाया है, उस जांच दल का मैं भी एक मेंबर हूँ। DDA हैं इसके मेंबर, DMO हैं, इस तरह से SDM साहब हैं, ऐसे मेंबर बनाए गए। आज हम लोग इसीलिए आए थे कि किसानों को जो पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ, उसका क्या कारण है वो कारण जानना चाहते थे, उनसे प्रमाण लेना चाहते थे। जितनों के प्रमाण हो गए हैं, जो क्लियर हो चुके हैं, उनको पेमेंट 3-4 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। अब वो संख्या तो मैं नहीं बता सकता, संख्या उसमें जो रखी हुई है। बाकी जो डिस्प्यूटेड थे उनको, किसानों को मौका दिया गया है कि वो अपने ओरिजिनल कागज़ ढूँढ लें, वो ओरिजिनल कागज़ ढूँढ के लाएँ और अपना प्रमाण पेश कर दें। प्रमाण अगर उनका सही पाया जाता है तो पाटन में इसके बाद अगला कैंप रखा जाएगा, उस कैंप में ला के दिखा दें, और अगर सही पाया जाएगा तो रुके हुए जो शेष है वो उसकी भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। MNH खान, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जबलपुर। भोपाल में प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में जन अधिकार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी अनुक्रम में दिनांक 11 सितंबर 2019 को आयोजित जन अधिकार कार्यक्रम में गृह पुलिस विभाग संबंधित चयनित विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखना, विलंब से लिखना, सही धाराओं में न लिखना से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की गई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक सतना IPS रियाज इकबाल द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग समीक्षा कार्यवाही के कारण सतना जिले से संबंधित 100% लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसके कारण गृह पुलिस विभाग जन अधिकार कार्यक्रम में 91.99% निराकरण के साथ महत्वपूर्ण स्थान पर रहा। उक्त प्रशासनिक कार्य में अहम योगदान हेतु पुलिस अधीक्षक सतना IPS रियाज इकबाल को मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। अजीत सिंह साइबर सेल इंचार्ज सतना को ADGP ने सम्मानित किया। ज्ञात हो कि आपराधिक घटनाओं के खुलासे के लिए फिंगरप्रिंट्स महत्वपूर्ण साक्ष्य है। फिंगरप्रिंट में बेहतर काम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के द्वारा सतना जिले के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अजीत सिंह को प्रशंसा पत्र से पुरस्कृत किया गया। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।